दामोदर अष्टकम पाठ सद्यव्रत मुनि द्वारा कहा गया है। इसे श्री व्यास देव जी ने लिखा है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा द्वारा वात्सल्य प्रेम भाव में ऊखल से बंधे हैं, उसी प्रकार हमें भी भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम भक्ति भाव से बांधने का यह मास है। इसीलिए दामोदर अष्टकम पाठ कार्तिक स्नान व्रत के नियम का एक भाग है। नमामि ईश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाव्योलुकलाधावमानं परामृष्टमत्यन्तो धृते गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुःश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थित ग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति द्रक्स्वालीलाभिरन्धकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं तदीयेशितागेषु भक्ते धृततमं पुनः प्रेमतस्तं सतावृति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं रडेहं वरेषादपि इदं ते वपुनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीलैर्व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्तधरं मे मनस्या विरास्ताम् अलं लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालब्धि मग्नम् कृपा दृष्टि दृष्टिया तिदीनं बतानु ग्रहाणेश माम् अज्ञमेध्यक्षि दृश्या कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो क्रतोचे तथा प्रेम भक्ति स्वकं मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरे नमस्तु दामने स्फुरुद्दीप्ति धामने त्वदीयो दरायात् विश्वस्य धामने नमो राधिकाये त्वदीप्रियाये नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् इति श्री पदम पुराणे श्री दामोदर अष्टकम् सम्पूर्णम्।